बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सलीका में खुश आमदीद। आज मैं आपको रशियन सैलड बनाने की एक आसान सी रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए आपको इन चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो क्रीम है। ये फ्रेश क्रीम है जिसको मैंने फेंट लिया है, और इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऑलरेडी एडिड है। ये आपको पाइनएप्पल चंक्स चाहिए जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 कप के करीब गाजर जो जिसको उबाल लिया है क्यूब फॉर्म में काट के। 1/2 कप मायोनीज आपको चाहिए। ये सेब हैं, 2 अदर सेब हैं जिनको मैंने क्यूब्स फॉर्म में काट के रखा हुआ। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा आपको बॉयल्ड पोटैटोज़ की, आलूओं की ज़रूरत पड़ेगी। इनको क्यूब फॉर्म में काट के और फिर बॉयल करें, वरना ये अपनी शेप छोड़ देंगे। खीरा आपको 4 अदद बड़े खीरे, और उनका बीज निकाल के आपने उनको क्यूब फॉर्म्स में काट लिया है। 1 कप से थोड़े ज़्यादा मटर लिए हैं मैंने। मेरे बच्चों को मटर बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किए हैं, वरना आप 1/2 कप भी ले सकते हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं। अब एक बड़े बोल में सबसे पहले हम क्रीम डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप मेयोनीज डालेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालेंगे। हसबे ज़ायका दोनों चीज़ें हैं। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ब्लैक पेपर लिया है और 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। अब हम इसमें यके बाद दीगरे सारी चीज़ें मिलाएंगे। सबसे पहले इसमें सेब डालेंगे। खीरा और मटर, उबले हुए आलू, पाइनएप्पल चंक्स, और गाजर। अब इन तमाम चीज़ों को मिला लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसको उबले हुए अंडों से सजाकर सर्व करेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो सलीका को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अगली सलीका की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।